पे तो आप पैसा देके निकल जाओगे, लेकिन मैं जो सब चीज, जो सब मिस्टेक मैं आपको बताया, अगर वो आप फॉलो नहीं करते हो तो वो जान पे बनाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसे ही जो कॉमन मिस्टेक जो नया ड्राइवर करते हैं, सिर्फ नया नहीं पुराना ड्राइवर भी करते हैं, तो आज को उसे सात जो मिस्टेक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो पहला जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक हम लोग इनिशियली करते हैं गाड़ी चलाने सीखने के बाद, वो होता है हम लोग गाड़ी का जो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसको हम लोग चेक नहीं करते हैं जब हम लोग टर्न लेते हैं या फिर जब लेन चेंज करते हैं, और जाके काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम लोग का वो आदत नहीं पड़ता है। लेकिन आप पहले से अगर ये चीज को आदत में नहीं डालोगे, जब आपका मिरर को चेक करना है, ब्लाइंड स्पॉट को चेक करना है जब टर्न ले रहे हो या फिर जब आप लेन चेंज कर रहे हो, तो ये आदत आपके बाद में भी कंटिन्यू कर जाएगा, जो कि काफी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। अगर आपका वो आदत अगर कंटिन्यू हो गया, जब आप अच्छी तरह से ड्राइवर बन गए हो, हाईवे में चला रहे हो या फिर सिटी में भी चला रहे हो, और ये आदत अगर आपका रह गया है जब विदाउट चेकिंग ब्लाइंड स्पॉट आप लेन या फिर टर्न लेते हो, तो वो जानलेवा गलती हो सकता है आपके लिए भी या फिर दूसरे मोटरसाइकिल बाइक साइकिल उसके लिए भी। तो जो पहला जो मिस्टेक जो बिल्कुल भी नहीं करना है वो है, जब भी आप गाड़ी में टर्न लो, ठीक है, अपना मिरर को चेक करो, ब्लाइंड स्पॉट को चेक करो, मुंडी घुमा के देख लो अपना जो भी मिरर्स है सब मिरर चेक कर लो, फिर जाकर टर्न लो और मेक इट हैबिट, इसको एकदम आदत बना लो। छोटा सा छोटा टर्न हो या फिर बड़ा सा बड़ा, 360 डिग्री का टर्न हो, यू टर्न हो, 90 डिग्री टर्न हो, किसी भी तरह का टर्न, हमेशा ब्लाइंड स्पॉट चेक करके ही आपको टर्न लेना है या फिर लेन चेंज करना है। तो ये हो गया पहला मिस्टेक। तो चलिए चलते हैं दूसरे मिस्टेक पे। तो दूसरा जो मिस्टेक होता है, हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, अपने जो गाड़ी है सामने वाला जो गाड़ी से एकदम गाड़ी को सटा के चलाते हैं। क्या होता है स्पेसिफिकली सिटी में बोलो या फिर हाईवे में भी हम लोग क्या करते हैं, जो गाड़ी को सामने जो हमारा गाड़ी चल रहा है गैप ज्यादा नहीं बना के चलते हैं। देखिए, आप हाईवे में जा रहे हो, ठीक है, और आप सामने का जो गाड़ी है, ठीक है, उसमें से एक 4 सेकंड का रूल होता है, मतलब आपका गाड़ी और आप, तो सामने वाला गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलिए। देखिए मैं कितना डिस्टेंस बना के चल रहा हूँ, इसमें कोई हर्जी नहीं है, वो 80-90 में जा रहा है, अब आप भी 80-90 में चलो, लेकिन सेफ डिस्टेंस बना के चलो। बिल्कुल भी टेलगेटिंग नहीं करना है, क्योंकि वो सामने वाला गाड़ी अगर किसी भी कारण से रोक दिया या फिर उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़े, आप सही टाइम पे उसको रोक दो, उतना टाइम आपके हाथ में होना चाहिए। तो हमेशा हमेशा गाड़ी अपने सामने वाला जो गाड़ी है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो, सिटी में चलाओ, हाईवे में चलाओ, हिल में चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, तो हमेशा अपना गाड़ी के साथ सामने वाला गाड़ी का थोड़ा सा गैप बना के चलाओ। ये हो गया दूसरा मिस्टेक। अब चलते हैं तीसरे मिस्टेक की तरफ। तो तीसरा जो मिस्टेक होता है वो होता है आपका टर्न सिग्नल यूज नहीं करना, ठीक है, आप राइट में मुड़ रहे हो, लेफ्ट में मुड़ रहे हो, ये क्या करते हैं हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग सोच ले कहीं पर ऐसा भी होता है, टी जंक्शन हो गया या फिर आपका राउंड अबाउट हो गया, जहां गोल चक्कर जो होता है वहां से आपको गाड़ी को किस तरफ आपको ले रहे हो, ठीक है, या फिर जब लेन भी चेंज कर रहे हो, तो हमेशा इंडिकेटर का यूज कीजिए, ठीक है, गाड़ी में टर्न इंडिकेटर इसीलिए दिया जाता है, और ऐसा नहीं जो एकदम मोड़ पे जाके आप टर्न इंडिकेटर यूज करो या फिर जब एकदम लेन चेंज कर रहे हो तभी, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा पहले, मैं तो बोलूंगा 10-15 सेकंड, 20 सेकंड पहले से आप अगर किसी भी, आपको अगर सोच के रखे हो राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, सीधा जाना है, कहीं पर भी जाना, तो आपको सिग्नल देना ही है, ठीक है, तो इसको भी आदत बना लीजिए। अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो उसके लिए भी क्या सिग्नल होता है, आप किसी को साइड दे रहे हो उसके लिए भी क्या सिग्नल होता है, वो सब आपको जानना जरूरी है। गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट में भी ये सब सवाल पूछा जाता है, अगर ये बेसिक चीज आपको नहीं पता है तो फिर से जाके एक बार गूगल सर्च करो या फिर मेरा वीडियो में कहीं पर भी मिल जाएगा, अगर मेरे को मिल गया तो मैं लिंक छोड़ दूंगा, नहीं तो आप देख लेना जाके। तो हमेशा गाड़ी का टर्न इंडिकेटर को सही तरीका से इस्तेमाल कीजिए कहीं भी टर्न लेने के लिए, जिसका जो सिग्नल है उसको बिल्कुल भी यूज कीजिए, उसको भूलना नहीं है। चौथा चीज जो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, शायद बाकी लोगों को नहीं लगेगा लेकिन मेरे को लगता है ये एक्सीडेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, वो है गाड़ी में आजकल के नया जमाने का जो गाड़ी में उसने जरूरत से ज्यादा फीचर्स का होना। जैसे आप सोच लो अभी बड़ा बड़ा स्क्रीन, 8 इंच 10 इंच का स्क्रीन, इधर लाइट उधर लाइट, इतना सारा इंस्ट्रूमेंट आपको, ठीक है,
तो दुनिया भर का चीजें दिया हुआ है, लेकिन ये सब चीज को ऑपरेट करने के लिए भी आपको ध्यान आपको देना पड़ता है, ठीक है। कोई कोई गाड़ी में तो अभी मैनुअल बटन भी नहीं होता है, एसी का बोलो, गाना का बोलो, कहीं कर भी बोलो, कुछ भी नहीं है, टच स्क्रीन है पूरा। लेकिन टच स्क्रीन आपको ऑपरेट करने के लिए आपको जो सामने से जो नजर वो हट के आपको आपको स्क्रीन की तरफ देना है। और देखिए, अगर हाईवे में 2-4 सेकेंड भी काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है, तो जितना हो सके डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग मत कीजिए, ठीक है। गाड़ी जब चला रहे हैं, गाड़ी का ध्यान आपका आंख हमेशा सामने होना चाहिए, हमेशा। आप YouTube में सर्च करके देख लेना, आपको ऐसा काफी ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे जहां सेकेंडों के गलती से आपको बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। तो गाड़ी जब चला रहे हो, आपका मेन जो काम होगा आपको गाड़ी चलाना, ना कि दुनिया भर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑपरेट करना। अगर साथ में कोई बैठा है तो उनको दीजिए ऑपरेट करना, या फिर स्टीयरिंग कंट्रोल में है तो उससे ऑपरेट कीजिए, लेकिन जितना हो सके डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग मत कीजिए, ये जानलेवा हो सकता है। अभी जो नेक्स्ट जो गलती है, यह तो नया पुराना सभी कोई करते हैं, इसमें कोई मतलब बड़ा बात नहीं है। और ये गलती करके हम लोग समझते हैं हम लोग बहुत बड़ा पहलवानी कर रहे हैं, हम लोग ठीक है मेरे को सब कुछ पता है, काइंड ऑफ फीलिंग हम लोग में आता है। वो गलती क्या है, हम लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। सिटी में तो हम लोग पहन लेते हैं क्योंकि नहीं तो पुलिस पकड़ लेगा, और जहां हम लोग हाईवे में गए तो तुरंत हम लोग सीट बेल्ट खोल देते हैं। लेकिन भाई ये पुलिस पकड़ लेगा, पुलिस का डर से नहीं पहनना है सीट बेल्ट आपको, ये आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट पहनना है, ठीक है। अभी तो ये फीचर्स भी होता है, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, अगर सीट बेल्ट आप नहीं पहना रहोगे, आप या आपका सामने का जो को पैसेंजर अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, तो इन दैट केस आपका जो एयरबैग्स है वो डिप्लॉय नहीं होगा, भले कितना जोर का भी इम्पैक्ट हो। और अगर सीट बेल्ट, उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे और अगर आपका एयरबैग खुल गया, तो एयरबैग से जितना चोट आपको लगेगा तो वो तो आप सोच ही लो किस तरह का चोट होगा, लेकिन ये सीट बेल्ट रहेगा तो वो आपका जो इम्पैक्ट होगा वो नहीं होगा, आपका सीट बेल्ट डिप्लॉय होगा, आपका जान बच जाएगा। तो अब भले पुलिस का डर से नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का डर से नहीं, खुद के सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट हमेशा पहनो। सिटी में, हाईवे में, नाइट ड्राइव, डे ड्राइव, जहां पर जो ड्राइव करना है, सीट बेल्ट हमेशा पहनो, जो हम लोग नहीं पहनते हैं। लास्ट और सबसे कॉमन गलती, हम लोग गाड़ी का सीट तो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन मिरर को हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबको लगता है ठीक है मिरर में क्या रखा है, इधर उधर का चली जाएगा, मैं तो सामने देखूंगा, पीछे का मिरर सेट करके क्या फायदा है। लेकिन मैं जो पहला जो पॉइंट बताया था, हमेशा लेन चेंज से पहले, ओवरटेकिंग से पहले, हर एक चीज में आपको मिरर को काम में लाना है। मिरर तभी सही तरीके से काम में आएगा जब मिरर को आप सही तरीके से सेट करके रखोगे, ठीक है। तो मिरर को गाड़ी में बैठते आराम से जहां आपको सुइटेबल पोजीशन हो वहां जाके आप सेट कर लो, ठीक है। तो सेट करके फिर ही जाके गाड़ी को अपना स्टार्ट करो। सीटिंग पोजीशन, मिरर, जहां पर जो भी IRVM, ORVM, जहां पर जो भी मिरर्स है सबको सेट कर लो। स्टीयरिंग को जैसे सेट करना है सेट कर लो। आप जब गाड़ी चलाओगे आपका पूरा ध्यान गाड़ी के ड्राइविंग पे होना चाहिए, तभी बैठ के मिरर को चेक करना, सेट करना, इधर उधर करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट जो भी है, मिरर को, स्टीयरिंग को, गाना को, इधर उधर जो काम करना है सब करके खत्म करके फिर जाके गाड़ी को चलाना है। और ये सब जो मैं चीज बोला हूं ये शायद आपको YouTube में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब बोलेगा जो गाड़ी जोर से मत चलाओ, ठीक है यार, सबको पता है, सबका स्पीड, ओवर स्पीडिंग मत करो, आपका अभी ओवर स्पीडिंग करेगा तो आपको तुरंत चलाना जाएगा, लेकिन वो सब में तो आप पैसा देके निकल जाओगे। लेकिन मैं जो सब चीज, जो सब मिस्टेक मैं आपको बताया, अगर वो आप फॉलो नहीं करते हो तो वो जान पे बन आएगा, आपका भी हो सकता है, दूसरे किसी का भी हो सकता है। तो हमेशा ये सब मिस्टेक को आप अवॉइड करके चलो। गाड़ी जब भी चलाओ गाड़ी को एंजॉय करते हुए चलाओ, ड्राइविंग को एंजॉय करते हुए चलाओ, किसी भी प्रेशर में आके गाड़ी को कभी भी नहीं चलाना है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द।